नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स में मिली नई वास्प स्पीसीज के बारे में। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इस लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। हमारे चैनल में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जीके ट्रिक्स, फर्स्ट इन इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया जैसे कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, काफी सब्जेक्ट्स को कवर किया है। अगर आप चाहें तो उन्हें भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए, हाल ही में कर्नाटका में स्थित वेस्टर्न घाट्स की बीलगिरी रंगाना रेंज में नई वास्प की स्पीसीज मिली है। ये स्पीसीज जो है ये वास्प की इक्नियोमोडिया नाम की फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि फर्दर सब फैमिली है मेटोपिनेई की। अब देखिए, ये सब चीज़ें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो हमें आपको फैमिली और सब फैमिली के बारे में बताना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन के लिए याद रखना ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए आपने याद रखना है कि एक नई वास्प की स्पीसीज मिली है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट से बीलगिरी रंगाना में। अब देखिए, कई बार क्योंकि ये बीलगिरी रंगाना रेंज ये खबरों में है तो यही पूछ लिया जा सकते हैं कि ये कहाँ की रेंज है, ये कौन से घाट में पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखिए, इस स्पीसीज को डिस्कवर किया गया जब एक एक्सपीडिशन हुआ बाय अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, दैट इज अत्री। तो अत्री यानी कि अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसके द्वारा एक एक्सपीडिशन हुआ और वहां पे ये वास्प की नई स्पीसीज जो थी इसको ढूंढा गया। इकारिनाटा इसका नाम है। इकारिनाटा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी रिजिस इसकी बॉडी में नहीं मिलते हैं, ये काफ़ी कलरफुल और एक अलग सी डिस्टिंक स्पीसीज है। इसके साथ साथ ये तो हो गया इकारिनाटा इसका साइंटिफिक नेम। इंडिया में इसको डिस्कवर करने के बाद इसे सोलिगा कम्युनिटी, जो उस रीजन की जिस रीजन में ये वास्प डिस्कवर हुआ है उस रीजन में कम्युनिटी पाई जाती है, सोलिगा कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के नाम पर इस स्पीसीज का नाम रखा गया है। ये जो सोलिगा कम्युनिटी है ये इथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि उस रीजन में रहती है। देखिए दोस्तों, इस कम्युनिटी को शोलागा, सोलेगा और शोलागा भी कहते हैं। अब क्योंकि ये खबरों में आ गई है तो इसलिए इसके बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है। इस कम्युनिटी की लैंग्वेज है शोलगा, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। भारतीय कानून के मुताबिक ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। आप सब जानते हैं इंडिया में ओबीसी एससी एसटी होते हैं, तो इंडिया में ये कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। सोलिगा कम्युनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंजर्व करने के लिए। बीआरटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फुल फॉर्म है बीलगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये सेंचुरी कहाँ पर है, क्योंकि खबरों में है तो कहाँ पर है, तो ये है हमारे कर्नाटका में। ऐसे ही बनते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। अब देखो, इंडिया में कितने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और बाकी नेचुरल रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो सारे थोड़ी याद करेंगे, वही इंपॉर्टेंट हैं जो कि खबरों में है, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना भी ज़रूरी है। बीलगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पर है कर्नाटका में, उसको कंजर्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ की सोलिगा कम्युनिटी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीआरटी, ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ये जगह एलिफेंट बाथिंग, बर्ड वॉचिंग और फॉरेस्ट सफारी के लिए जानी जाती है। ये होम है टाइगर और बोवाइंस के लिए। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। हमने देखा नई वास्प स्पीसीज कहाँ पे डिस्कवर की गई, तो वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर की गई। किसके द्वारा की गई, अत्री के द्वारा की गई। इसके साथ हमने देखा उसका एक साइंटिफिक नाम जो वो क्यों रखा गया, और एक जो इंडिया की उस रीजन में जो कम्युनिटी रहती है उस कम्युनिटी के नाम पे रखा गया। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो उस कम्युनिटी से रिलेटेड थे वो डिस्कस किए। इसके अलावा हमारे चैनल में आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके साथ साथ काफ़ी जीके ट्रिक्स मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन सबको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।